गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आईटी डिपार्टमेंट इशूड प्रोसेस फ्लो फॉर फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट। आईटी डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का प्रोसेस बताया है स्टेप वाइज। दो कैटेगरी में 15CB एंड CCB के लिए सेपरेट स्टेप्स बताए हैं एंड अदर देन 15CB एंड CCB के लिए सेपरेट स्टेप्स बताए हैं। और उन्होंने लिस्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी दिया है इसमें, इंक्लूडिंग मोड ऑफ सबमिशन कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करने। ये प्रोसेस फ्लो आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट इशूड स्टेट्यूटरी फॉर्म्स एंड रिलेटेड सर्विस FAQ। आईटी डिपार्टमेंट ने FAQ इशू किया है और द ऑडिट रिपोर्ट्स एंड स्टेट्यूटरी फॉर्म्स। ये फॉर्म्स है इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B, 29B, 10DS, 56F, 10E, 10IE, 67, 10BA, 35, 10IC, 10IB एंड ID। ये सारे फॉर्म्स के लिए उन्होंने FAQ इशू किए हैं। DGFT वाइड ट्रेड नोटिस 32 डेटेड 24 January। Extended due date for mandatory electronic filing of non-preferential certificate of origin. जो non-preferential certificate of origin फाइल करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसका ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है टिल 31st March 2022। तो ये COC फॉर्म है वो आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 31st March 2022 तक फाइल कर सकते हैं। द आउटबाउंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया OTOAI has written to Finance Ministry requested OTAI, the Outbound Tour Operator Association of India ने Finance Ministry को लिखा है कि जो टूर पैकेज पे TCS है उसको रोल बैक करे, जो TCS लगता है उसको हटा दे, और जो पैन मैंडेटरी होता है फॉर फॉरेन रेमिटेंस इन केस ऑफ टूर, तो वो केसेस में पैन मैंडेटरी ना रखे और जो GST लगते हैं GST भी कम करे। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो लोन होते हैं टूर पैकेजेस के लिए, लोन अगर कोई लेता है तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम करे, ऐसा उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सत्यम शिवम पेपर्स लिमिटेड हेल्ड दैट नो टैक्स इवेजन कैन बी प्रज्यूम्ड ऑन मेरे नॉन एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल ड्यू टू ट्रैफिक ब्लॉकेज एंड एजिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम शिवम पेपर लिमिटेड के केस में डिसीजन दिया है कि अगर ईवे बिल एक्सटेंड नहीं किया गया तो वो केसेस में अगर वो डिले ट्रैफिक या फिर रोड ब्लॉकेज की वजह से अगर डिले हो गया है और जो एंटिटी है उसने ईवे बिल को एक्सटेंड नहीं किया ऑनलाइन, ऑल्दो ईवे बिल एक्सटेंड करने का भी एक टाइम लिमिट होता है, तो वो केसेस में जस्ट बिकॉज की ट्रैफिक की वजह से अगर ईवे बिल एक्सपायर हो गया और उसके लिए एंटिटी ने उसको एक्सटेंड नहीं किया था ईवे बिल, तो इसके लिए टैक्स इविजन नहीं माना जाएगा। जो कि सत्यम शिवम पेपर प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो डिपार्टमेंट है उन्होंने टैक्स इविजन का केस उनके ऊपर लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जस्ट मेरे नॉट एक्सटेंशन ऑफ ईवे बिल वैलिडिटी विल नॉट बी कंसीडर टैक्स एविजेंस। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके ऊपर 69,000 का पेनाल्टी भी लगाया है कि जो एंटिटी है उसके जो खर्चे हुए हैं ये केसेस के वजह से वो खर्चे भी रिवर्स करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। CCI इम्पोज पेनाल्टी ऑन मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट कंपनीज फॉर इंडल्जिंग इन कार्टेलाइजेशन। ये कार्टेलाइजेशन होता है जहाँ पे कोई इंटरप्राइज या फिर इंडिविजुअल एक दूसरे से ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्राइस पे कम्पीट नहीं करेंगे, एक प्राइस बना के रखेंगे जो सारे के सारे कंपनीज है वो एक ही प्राइस चार्ज करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है मार्केट में मोनोपोली जनरेट होता है। तो इसकी वजह से CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे पेनाल्टी लगाई है। ये मैरिटाइम कंपनीज है जिन्होंने कार्टेलाइजेशन में इंडल्ज थे, K-Line, MOL, NMCC, जिसके ऊपर CCI ने पेनाल्टी लगाया है। 24.23 करोड़ का K-Line के ऊपर पेनाल्टी है, MOL के ऊपर 10.12 करोड़ का पेनाल्टीज है एंड NMCC के ऊपर 28.69 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है CCI ने फॉर इंडल्जिंग इन कार्टलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द सेल री इशू ऑफ गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी री इशू कर रही है, जो कि RBI ऑक्शन हेल्ड करेगी एट मुंबई ऑफिस ऑन फ्राइडे 28 January 2022। ये जो सिक्योरिटी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2028, जिसमें कि 4,000 करोड़ का ये फंड रेज करेंगे, नोटिफाइड अमाउंट है। 6.54 गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2032, 6.95% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2061, इसमें कि 7,000 करोड़ फंड रेज करने वाले, और ये ऑक्शन 28 जनवरी फ्राइडे को RBI कंडक्ट करेगी फोर्ट ऑफिस में। बॉम्बे हाईकोर्ट इशू नोटिस टू सेंटर एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन ब्लॉकिंग ऑफ ITC।
जीएसटी का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी आईटीसी ब्लॉकिंग की बात करता है सेक्शन। इसके थ्रू जो डिपार्टमेंट है वो एंटिटीज के आईटीसी ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पेटिशनर है वो डील करते हैं इन रेंटिंग एंड लीजिंग द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो प्रीमाइसिस उन्होंने रेंट आउट किया था उसके ऊपर उन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कराया था, बट उनको कोई क्लेम नहीं मिले अंडर दिस सेक्शन 17(5) सी, बिकॉज जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉक क्रेडिट में जाता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए पेटिशनर ने केस फाइल किया था बॉम्बे हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस भेजे है सेंट्रल को भी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पे आईटीसी क्यों ब्लॉक होना चाहिए। तो पेटिशनर ने ये सेक्शन को चैलेंज किया है। द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया इज नाउ डिसाइडेड टू बी ऑन 27 जनवरी 2022। जो एयर इंडिया गवर्नमेंट सेल कर रही है टाटा ग्रुप को, ये डिसइन्वेस्टमेंट 27 जनवरी को होने वाला है। इसका जो बैलेंस शीट है 28 जनवरी तक फाइनल हुआ है, जो कि टाटा ग्रुप को 24 जनवरी यानी कि आज दिया गया था उनको रिव्यू के लिए, और 27 जनवरी को गवर्नमेंट ये जो एयर इंडिया कंपनी है वो टाटा ग्रुप को सौंप देगी। आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन 8 कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर वायलेशन ऑफ लोन एंड केवाईसी नॉर्म्स। लोन एंड केवाईसी नॉर्म वायलेट करने के केस में आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंक्स पे पेनल्टीज लगाई है, और ये बैंक्स है राजकोट पीपल कोऑपरेटिव बैंक, वसई जनता सहकारी बैंक, मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक। इंक्लूडिंग दिस बैंक 8 कोऑपरेटिव बैंक पे आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब।